तो दोस्तों काफ़ी दिन से रूमर्स फैल रहे थे आईफोन 13 के बारे में कि क्या क्या इसमें फीचर्स रहेंगे, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, लेकिन फाइनली इंडिया में भी लॉन्च कर दिया है एप्पल ने आईफोन 13 को और इसके जो भी सीरीज़ है आईफोन 13 के उनको भी लॉन्च कर दिया है। तो आखिर क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या इसमें दिया जा रहा है, आपको क्या क्या इसमें फीचर्स दिए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरु जी। दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों फाइनली एप्पल ने अपने वर्चुअल इवेंट में एप्पल आईफोन 13 का जो भी सीरीज है ना उसको लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सीरीज है ना पिछले साल जो आईफोन 12 आया था उसके साथ जो चार वेरिएंट आए थे उसके इसके भी सेम वैसे ही चार वेरिएंट में है ये फ़ोन। यहाँ पे दोस्तों ये आपको चार सेगमेंट में देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको एप्पल आईफोन 13, फिर मिलेगा आपको एप्पल आईफोन 13 मिनी और वहाँ पे इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एप्पल आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। और जो पिछले साल दोस्तों आया था आईफोन 12 वहाँ पे दोस्तों सेम साइज़ आईफोन 13 का भी है और वही सेम साइज़ जो इसका मिनी है और प्रो मैक्स सेम साइज़ उसी में है पिछले साल की तरह ही है। और यहीं पे दोस्तों एप्पल ने दावा किया कि इसमें जो प्रोसेसर लगने वाला है A15 बायोनिक प्रोसेसर, यहाँ पे दोस्तों ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों जो आपको OS मिलेगा ना इसमें आपको iOS 15 मिलने वाला है चारों फोन में ही। तो अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और वहीं पे साथ साथ अगर हम बात करें इसके नॉच की तो यहाँ पे जो पिछला मॉडल इसका था ना उसके मुकाबले इसको 20% तक छोटा किया गया है। बात करें इसके स्टोरेज के बारे में तो ये आपको चार सेगमेंट में देखने को मिलता है। जो तीन मॉडल्स हैं दोस्तों उसमें आपको 128, 256 GB और 512 GB तक का स्टोरेज मिलता है। और वहीं पे अगर हम बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स का तो ये आपको देखने को मिलेगा 1 TB तक इसमें स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। और ये भी दोस्तों आईफोन का दावा है कि ये जो आईफोन 13 प्रो है और आईफोन 13 मिनी है इस ये लगभग 1.5 घंटे तक ज़्यादा चलेगी दूसरे मॉडल से। और यहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो मैक्स इसमें आपको 2.5 घंटे तक ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाली है। आईफोन का जो 13 मॉडल है यहाँ पे आपको चारों फोन में ही आपको 12 MP के ही कैमरे देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसमें आपको रियर पे आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं और बाकी सारे जो मॉडल्स हैं बाकी सारे जो सेगमेंट हैं उसमें आपको बस 2 कैमरे ही रियर पे देखने को मिलेंगे। सभी के कैमरे जो है वो 12 MP के ही होने वाले हैं, चाहे वो फ्रंट के हो चाहे वो रियर के हो। और यहीं पे दोस्तों बात करें तो ये सभी कैमरे जो है वो लो नॉइस कैप्चर करते हैं और साथ ही साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 47% अधिक इसमें जो है वो लाइट कैप्चर करने की क्षमता है। मैं बता दूं आपको कि चारों सेगमेंट में ही आपको सिनेमेटिक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको 3x जूमिंग के साथ आपको एक नया टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो कैप्चर करने में बहुत ही आसानी रहेगी या फिर मदद करेगा। आईफोन 13 का जो मॉडल है दोस्तों यहाँ पे सारे सेगमेंट ही आपको 5G से लेस होंगे। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो कलर वेरिएंट है ना काफ़ी सारे कलर वेरिएंट में आएगा, लेकिन यहीं पे दोस्तों एक नया कलर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पिंक कलर का भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको 69,900 से शुरू है। और यहीं पे दोस्तों जो इसका सेल है वो आपको इंडिया में 17 September से स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं पे जो इसका रिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 24 September से ये स्टार्ट हो जाएगा रिटेल पे भी मिलना। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।